पिछले साल मणिपुर में चल रही हिंसा के जो दृश्य सामने आए हैं उसने मानवता को शर्मसार करके रख दिया है। तब से लेकर अभी तक मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में राहुल गांधी ने मणिपुर की राहत शिविरों का दौरा किया और पीएम से भी राज्य का दौरा करने का आग्रह किया। ऐसे में ये वीडियो इंटरनेट पर काफी शेयर किया जा रहा है। राइट विंग यूजर्स ये वीडियो शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि मणिपुर के लोगों ने राहुल गांधी को वापस जाने के लिए कहा। अक्सर सोशल मीडिया पर गलत दावा करने वाले एक्स यूजर मिस्टर सिन्हा ने भी ये वीडियो कुछ ऐसे ही क्लेम के साथ शेयर किया। राइट विंग इन्फ्लुएंसर अरुण पुदुर ने भी ऐसे ही दावे के साथ ये क्लिप शेयर की। वहीं और भी कई वेरीफाइड एक्स अकाउंट्स ने ये वीडियो इसी दावे के साथ पोस्ट किया है। तो क्या वाकई में मणिपुर की स्थिति देखने के लिए गए कांग्रेस नेता को वहां से जाने के लिए कहा गया? वायरल क्लिप के बारे में छानबीन करते हुए हमें ANI का ये ट्वीट मिला, जिसे जनवरी 2024 में पोस्ट किया गया था। साथ ही इस वीडियो को असम के नागांव जिले के अंबागन इलाके का बताया गया था। यानी ये घटना हाल की नहीं है और न ही मणिपुर की है। इस घटना के बारे में ऑनलाइन मौजूद रिपोर्ट्स देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी काफिले के साथ असम के अंबागन इलाके में एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे थे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। इस मामले में और जानकारी जुटाते हुए हमें मालूम हुआ कि उसी दिन और भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं सामने आई थी। इन कथित हमलों को लेकर उस वक्त देश भर के कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। यानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी को वापस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन इस घटना का वीडियो राहुल गांधी के हालिया मणिपुर दौरे से जोड़कर शेयर किया गया।